चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करेगा। हरियाणा का 3 नवंबर और महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 30 सितंबर से पहले कराने की योजना बनाई है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन FAIMA ने आज यानी शुक्रवार को शाम 5 बजे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज LHMC से जंतर मंतर तक कैंडल मार्च की घोषणा की है। दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी को छोड़कर OPD, नियमित सर्जरी व अन्य सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित रहेंगी। श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लिंचोली में मलबे में दबे हुए 3 शव मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि गत 31 जुलाई को बादल फटने की घटना की चपेट में आकर तीनों की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची SDRF की टीम ने तीनों शव बरामद कर लिए हैं। जिला पुलिस द्वारा शवों की शिनाख्त की कार्यवाही की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक सदैव अटल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। विनेश फोगाट वापस भारत आ रही है और उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट शेयर किया है। उन्हें पैतृक गांव बलाली में गोल्ड मेडल विजेता की तरह भव्य स्वागत किया जाएगा। EOS-8 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। यह उड़ान UIR, GNSSR और UV डोसीमीटर पेलोड को प्रक्षेपित करेगी। EOIR पेलोड आपदा निगरानी और पर्यावरण निगरानी के लिए तस्वीरें खींचेगा। GNSSR समुद्र की सतह की हवा का विश्लेषण करेगा और UV डोसीमीटर गगनयान मिशन में पराबैंगनी विकिरण की निगरानी करेगा। बॉलीवुड से लेकर साउथ तक कॉमेडी, हॉरर और एक्शन समेत कई फिल्में सिनेमा घरों में उतरी। स्त्री 2 ने 46 करोड़ और थंगलान ने 12.6 करोड़ का कारोबार किया। डबल आई स्मार्ट में 7.5 करोड़, वेदा में 6.52 करोड़ और खेल खेल में 5 करोड़ से खाता खोला। मिस्टर बच्चन ने 3.5 करोड़ का बिजनेस किया। इजराइल ने देश की शासकीय संस्था के अधीन बस्ती नाहल हेलिज का निर्माण किया है। संगठन पीस नाउ ने इसका विरोध किया है। नाहल हेलिज एक सुरक्षा खतरा बन सकता है। बिहार में मानसून फिर से जोर पकड़ने लगा है। राज्य के कई जिलों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे का अलर्ट जारी किया है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में एक निजी चैनल की महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस ने आरोपितों से पूछा, चलोगे जेल?